सलमान खान की नई फिल्म टाइगर जिंदा है इसी साल क्रिसमस पर रिलीज होने जा रही है। वहीं सलमान एक कोरियन फिल्म का रीमेक भी बनाने जा रहे हैं जिसका शीर्षक है भारत। यह फिल्म 2 साल बाद ईद पर रिलीज होगी। कहा जा रहा है कि भारत फिल्म उनके कैरियर की सबसे अलग फिल्म बनने वाली है। इस साल ईद पर रिलीज हुई सलमान खान की फिल्म ट्यूबलाइट हिट नहीं हो पाई थी, लेकिन इससे सलमान खान का जोश कम नहीं हुआ और 2019 की ईद उन्होंने अभी से अपने लिए बुक कर ली है। 2 साल बाद ईद पर सलमान भारत लेकर आ रहे हैं जो एक कोरियन फिल्म का रिमेक है। भारत का निर्माण सलमान खान के जीजा अतुल अग्निहोत्री कर रहे हैं। कहा जाए तो एक प्रकार से ये सलमान का होम प्रोडक्शन है। फिल्म का निर्देशन सुल्तान फिल्म के डायरेक्टर अली अब्बास जफर को सौंपा गया है, जिनके निर्देशन में बन रही सलमान की फिल्म टाइगर जिंदा है इसी साल क्रिसमस पर आ रही है। वहीं भारत फिल्म 2014 में आई साउथ कोरियन फिल्म ओडे टू माई फादर का आधिकारिक रीमेक है। इस फिल्म की कहानी 1950 से लेकर आज के दौर को दर्शाती है। इस दौरान कई महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाओं को आम आदमी के नजरिए से दिखाया गया है। बताया जा रहा है कि भारत की कहानी 1947 से शुरू होकर सन 2000 में खत्म होगी। सलमान को लेकर उनके जीजा अतुल इससे पहले बॉडीगार्ड बना चुके हैं जो 2011 की ईद पर रिलीज हुई थी और सफल भी रही। इस फिल्म ने 149 करोड़ का कलेक्शन किया था। अगर पिछले कुछ सालों में ईद पर रिलीज होने वाली सलमान की बाकी फिल्मों की बात करें तो इनमें 2016 की सुल्तान शामिल है जिसने 250 करोड़ से अधिक जमा किए थे। वहीं 2015 में बजरंगी भाईजान को दर्शकों ने 350 करोड़ की ईदी दी थी। इससे पहले ईद पर प्रदर्शित सलमान की अन्य फिल्में भी सुपरहिट रही जिनमें किक, एक था टाइगर और दबंग आदि शामिल है।